नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एसएस भाटोटिया तरवर नर्सरी फरीदाबाद से। मेरा अपना अभी नया चैनल शुरू करा है यूट्यूब पे, डॉक्टर एसएस भाटोटिया। तो आप कुछ भी अगर देखना चाहो तो मेरे बारे में तो यूट्यूब पे आप जा सकते हो, डॉक्टर एसएस भाटोटिया। आज हम आपको ना ये जो इसका बोनसाई कैसे बनती है ग्रुप्स में, ठीक है जी, ये पेड़ का नाम है हिमाटोक्सिलम ब्रेसिलेटो। इसको वैसे डीवीडीवी के नाम से काफ़ी फेमस है, पर डीवीडीवी नहीं है ये। तो जो ग्रुप प्लांटेशन करते हैं उसका एक रूल है, वो सारे ना जो बिल्कुल छोटी पत्ती वाले प्लांट्स होने चाहिए, और ठीक है जी, और ये ना बारीक पत्ती के पेड़ होने चाहिए। और ये ग्रुप्स में लगते हैं इनका 5, 7, 9, 11 ऐसे लगते हैं। अब जैसे हमारा ये प्लास्टिक का पॉट है, देखो जी ये वाला, ये बोनसाई पॉट है, तो इसमें आज हम 5 पेड़ अकोमोडेट करेंगे। तो ये जो 5 पेड़ जो आप सेलेक्ट करें हैं ना जी, ये डिफरेंट हाइट्स के हैं, ये जैसे सारे एक जैसे नहीं है। इसमें जैसे एक माँ, ये फादर मदर हो गए, फिर इनके बच्चे हो गए, तो बच्चे भी अलग अलग साइज़ के होने चाहिए, ठीक है जी। तो अब हम इसको कैसे इसमें लगाना है, अब ये देखो, ये जो हमारा प्लास्टिक पॉट है, तो जैसे हम सब हर बार बताते हैं, इसके अब थर्मोकोल के छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। मैंने देखा बहुत से लोग ना हार्ड वाली वो लगाते हैं, वो थर्मोकोल, ये हार्ड वाली नहीं चलनी, इसमें केवल सॉफ्ट वाली ही लगानी है आपसे। ये देखो इसको छोटे छोटे ये बना लो जी, ठीक है जी, ये आप इसको इसके नीचे से अच्छी तरह कवर कर लो, ये देखो ये, ठीक है जी, ये ठीक है, ये अगर आप ये इसमें दूसरा प्लास्टिक वाले में थर्मोकोल डालोगे तभी ग्रोथ आएगी इसकी अच्छी, ठीक है। आप इसके ऊपर थोड़े थोड़े ये डाल दो ताकि ये इधर उधर ना हो। अब ये हमारा ये इसमें मिट्टी हमने डाल दी है, अब हमने इसमें 5 पेड़ ये लगाना है। देखो ये वाला सबसे हेल्दी पेड़ है, ये वाले को हम लगाएंगे, ये वाला ये आ गया यहाँ पे, ठीक है जी, ये हो गया फैमिली मेंबर मेन हो गया फादर, ये हो गया इसकी मदर, ठीक है जी, ये वाला। अब हमने इसमें एक छोटा बच्चा इसके सामने कर देना है, ये हो गया यहाँ पे, ठीक है जी। और दो ये है, एक ये इधर आ गया, अब इसका एक रूल और है इसमें, ये जो ग्रुप प्लांटेशन हम करते हैं तो इसमें सारे प्लांट्स फ्रंट से विजिबल होने चाहिए। अब हम इधर से अगर देखेंगे तो सारे प्लांट्स विजिबल है ये, और देखो इसमें ये जो दो मेन प्लांट्स हैं ये बड़े हैं, एक छोटा बच्चा हो गया, ये दो इसके और वे हो गए बच्चे, ये देखो जी, ये इसको ऐसे, ये है इसका ग्रुप प्लांटेशन का तरीका। और अब हम इसमें डाल देंगे चारों तरफ से इसमें मिट्टी, ठीक है जी। दोस्तों ये अगर आपको ये पेड़ चाहिए ना जी, हिमाटोक्सिलम ब्रेसिलेटो का ये पेड़ हमारे पास अवेलेबल है, इसके सीड्स भी अवेलेबल हैं, इसके प्लांट्स भी अवेलेबल है, कोई भी अगर ख़रीदना चाहे तो हमारे को ये व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसकी क्या स्पेशलिटी है इस पेड़ की? ये सबसे अच्छा ग्रुप में सबसे बढ़िया पेड़ यही चलता है ग्रुप में, और ये फ्लावरिंग है, ये येलो फ्लावर्स आते हैं इसके, अभी हमारे यहाँ पर अभी खिल के ख़त्म ही हुआ, मार्च में आते हैं, और इसके फ्रेश सीड्स अवेलेबल हो जाएंगे अप्रैल में, अगर किसी को चाहिए तो बता देना। इसके फ्लावर्स कितने टाइम में आते हैं? ये अगर जैसे आप ज़मीन में डालोगे तो मैं जो प्लांट 6-7 साल बाद से फ्लावरिंग शुरू होगी, इतना जल्दी तो नहीं होगा। अब देखो जी ये पेड़ थोड़ा सा आगे लग गया, ये वाला, ये इसके साथ ही सी लग रहा था, ये अब ठीक है जी। इसके सीड्स अवेलेबल हैं आपके पास? हाँ सीड्स हैं, जितने मर्जी ले लो, मई से अप्रैल में शुरू हो जाएंगे सीड मैच्योर। ये देखो जी है, अब इसको पानी देने का एक तरीका है, देखो ये आपने दे दिया,
अब इसको जहाँ ये किनारे तक ये डूबना चाहिए पानी में, देखो यहाँ हम दे रहे हैं इसमें। जब आपके प्लांट्स लग जाए तो इसको पानी को ना ऐसे टब में इसको इसका ऐसा था किनारे तक पानी रहे, ये 15-20 मिनट में ये पूरा गीला हो जाएगा। फिर इसको उठा के बबल्स वाला बताओ ना। हाँ तो ये अभी इसमें बबल्स नहीं आएंगे, अभी तो फ्रेश है ना ये। यहाँ पानी इसलिए देते हैं इसके अंदर जितनी एयर्स है वो सारी निकल जानी चाहिए मिट्टी के अंदर। ये है इसका तरीका। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मेरा चैनल है डॉक्टर SS बटोटिया उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।